मेरा प्रश्न यही था कि बचपन में मुकेश को सुनना या रफी साहब को सुनना, आशा जी, लता जी, जी तलत जी महमूद, जी इन लोग को सुनना तो समझ में आता है, लेकिन जब जी आपने अपने जीवन में मल्लिकार्जुन मंसूर को सुनना या ओंकारनाथ ठाकुर जी को सुनना या फिर जसराज जी जी को सुनना या फिर पलुस्कर को सुनना, इस तरह के कलाकारों को सुनने का जो टेस्ट डेवलप हुआ, जो स्वाद आया, वो जी कैसे जी बनारस की वजह से विकसित हुआ? हाँ देखिए क्या है, हमारे गुरु जो थे, जितने भी गुरु थे हमारे, सब प्रैक्टिकल थे जी। हमारे पंडित ठाकुर चौबे जी भी, वो भी प्रोत्साहित करते, देखो ये पंडित ओंकारनाथ जी ऐसा गाते थे, हम लोग तो ओंकारनाथ जी का गाना कभी सुने भी नहीं थे रेडियो में, उस समय तक भी देवरिया में हम लोग रहते थे, उस समय ऐसा नहीं कि रेडियो में हम गाना किसी का सुने, तो रेडियो लगा दिया, गुरु जी भी हमारा रेडियो लगा देते थे, बोल दिए सुनो ये उनका गाना है, इनका गाना है, ये सब सबका, तो उस समय तक हम खाली पंडित ओंकारनाथ जी को जानते थे, और तबले में पंडित अनोखेलाल जी का नाम गुरु जी बताते थे। फिर हम बनारस जब गए तो बनारस में हमारे गुरु जो थे, जैसे पंडित जसराज जी का गाना सुना मैंने पहले, जैसे हम संकट मोचन में जो प्रोग्राम होता है जी। तो उसमें जाते हैं तो देखा हमने, रोज प्रोग्राम हो रहे हैं 2-3 दिन का, एक दिन हुआ कि एक दो दिन पहले अनाउंस होता है कि इस दिन का प्रोग्राम ये है, इस दिन का प्रोग्राम ये है, तो बाद में ये पंडित जसराज, अब जो बताया जा रहा कि उस दिन इस दिन पंडित जसराज जी का गायन होगा इस समय, तो बड़ी क्लैपिंग होती थी, और केवल नाम सुन के कि संगीत मारतंड पंडितों का, पंडित जसराज जी का गायन होगा, तो बड़ी क्या है पंडित जसराज जी, क्या हम तो कभी सुने नहीं थे, ऐसा क्या गाएंगे कि इतना क्लैपिंग हो रहा है। तो हमारा एक दोस्त परमानंद यादव है, तो वो बगल में बैठे, अरे पंडित जसराज जी बहुत अच्छा गाते हैं, तो उनका गाना सुना, हमने सोचा यार अब वो समय कब आएगा ऐसे, तो ये मन में आया, तो उनका गाना जब पंडित जसराज जी का सुना तो बड़ा आकर्षक गाना, उनको बड़ा आकर्षक लगा उनका गाना, हम भी गाँव से आए थे, लेकिन वो खरज वरज लगाना और कैसे गान स्वरों को बड़े आकर्षक ढंग से लेते हैं ना, तो कुछ दिन में वो ही स्टाइल गाता था, गाना सुन के वो स्टाइल गाता था, वही दिमाग, तो और किसी का गाना सुना नहीं, तो मैं हमारे गुरु पंडित अजीत भट्टाचार्य जी जो, वो बोले कि इनका पंडित जी का तो गाना सुना तूने, पंडित जसराज जी का, पंडित भीमसेन जोशी का गाना सुना, उनका गाना और भी मतलब गहराई है गाने में, पंडित जसराज जी का उनका भी थोड़ा सुनो, ऐसा नहीं उनको कहा कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा बोले कि पंडित भीमसेन जोशी का गाना सुना, हमने कहा वो तो नहीं सुना है, कभी उनका गाना सुनो, तो आप कहीं उस समय ऐसा नहीं था कि इंटरनेट खोला गाना मिल जाएगा कहीं, अब कहीं रेडियो में आ गया तो ठीक है, नहीं तो जाके कैसेट खरीदा जाए, तो उस समय भी ऐसा नहीं था कि कैसेट जाके खरीदे हम, तो जाके हमारे डिपार्टमेंट में बनारस इंस्टीट्यूट पहले ऐसा बहुत अच्छा था, वहाँ बनारस इंस्टीट्यूट में जो शिक्षा का जो माहौल था बहुत अच्छा उस जमाने में था, हफ्ते में एक दिन रिकॉर्डिंग सुनाई जाती थी, हफ्ते में एक दिन किसी बड़े कलाकार का LP रिकॉर्ड या जो भी बना है तो वो रिकॉर्डिंग सुनाया जाता था, तो रोज किसी न किसी का, सब लोग सीनियर जो लोग बोलते थे भाई इनका सुनाइए उनका सुनाइए, कोई इंस्ट्रूमेंट सुनने के लिए होता था, बाद में हमसे पूछ दिया, हम लोगों से, हमने बोला पंडित भीमसेन जोशी की रिकॉर्डिंग सुननी, तो एक वहां पे प्रोफेसर पुष्पा बसु जी थी, तो उन्होंने वो पंडित भीमसेन जोशी जी का मियां मल्हार लगाया ऑडियो रिकॉर्डिंग जी। वो गाना जब सुना तो भाई गुरु जी ने भी बोला था, एक मन में बन जाता है ना कि जी, जी। इनका गाना सुनो, तो एक उस बड़े सीरियसनेस से हम सुन रहे थे, तो इतना आकर्षक गाना लगा वो, गहराई गाने में, और वो थोड़ा मेरे गले से टैली भी करता था, मेरे गले का जो धर्म है, तो फिर मैंने वो गायकी धीरे धीरे सुन के कुछ कोशिश करने की कोशिश, अपनाने की कोशिश किया मैंने, और मेरे भट्टाचार्य गुरु जी भी सपोर्ट करते थे, मैंने ये ऐसे उगाते हैं ऐसे गाते हैं, और हमारे आचार्य नंदन जी भी बताते थे ऐसे, तो वहां से डेवलप हुआ कि मैंने इनको सुनना सब, वो उन लोगों ने बताया कि बड़े गुलाम अली खां साहब, अमीर खां साहब, तो सबको हम लोग सुनते थे उस समय, तो वहां से ये हमारे गुरुजनों से ये टेस्ट आया, जो आजकल ये देखने को नहीं मिलता है, अब जैसे कोई भी आर्टिस्ट होगा अपने गुरु के बारे में बोल देगा कि इनका सुनो उनका सुनो, तो वहां हमारे गुरु जितने थे वो पंडित अजीत भट्टाचार्य हो चाहे आचार्य नंदन जी, गले गले जैसे स्टूडेंट के गले की क्या क्वालिटी है उस हिसाब से वो गाना सिखाते थे, और वो उसको उसके अंदर वो ऐसा मानसिक
उसको डेवलप करना, जैसे गायकी डेवलप कराना उनके, ताकि इसके गले में ये गायकी फिट होगी। हमारे गुरु तो कभी कभी कुछ राग सिखाते थे, जैसे बेटा ये सीख लो तुम्हारे गले से बहुत अच्छा लगेगा, तो कोई राग सिखाया ऐसे करके, कुछ बंदिशें सिखाई, तो ये आजकल कम मिलता है सुनने के लिए। तो इस तरह से टेस्ट डेवलप हुआ। पंडित जी, आपने रागों का जिक्र कर दिया, बंदिश का जिक्र कर दिया, दो इतने महान कलाकारों का नाम आ गया, आपसे गुजारिश यही करेंगे कि कोई भजन की कुछ लाइनें हमें सुनाइए। मेरे गुरुजी ने भजन गाया है बहुत सारा, ये गाया कृपा सरोवर कमल मनोहर कृष्ण शरण गहिए, कृपा सरोवर कमल मनोहर कृपा सरोवर कमल मनोहर कृष्ण शरण गहिए, 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 कृपा सरोवर कमल मनोहर कृष्ण शरण गहिए, कृष्ण शरण गहिए, लीला पुरुषोत्तम रे, लीला पुरुषोत्तम रे, राधा माधव बाधा, राधा माधव भव बाधा, शरणागत रहिए, शरणागत रहिए, कृष्ण शरण गहिए, कृष्ण शरण गहिए, कृष्ण शरण गहिए, कृष्ण शरण गहिए, कृष्ण शरण गहिए। क्या बात है पंडित जी। एक सवाल और बनारस से जुड़ा हुआ हम लेते हैं और उसके बाद फिर इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में चलेंगे। बनारस आप बहुत अच्छे से करीब से जानते हैं पंडित जी, कि वो धरती ही ऋषि मुनियों की है, मतलब संगीत के ऋषि मुनियों की है। आप कभी चले जाए तो आपने खुद नाम लिया, किशन जी महाराज से लेके सितारा देवी से लेके, अंदर चले जाइए तो आप राजन साजन जी से लेके, तो ये आपको भी जब आप और बीएचयू से जब आप पढ़ रहे होंगे तो इन लोगों का आशीर्वाद भी आपको समय समय पर मिलता रहा होगा। तो वो बिल्कुल सुनने के लिए मिलता है जी। जो एक तो गायकी ग्वालियर घराने की जरूर आपने सीखी, लेकिन इनसे भी जो अच्छी अच्छी चीजें रही होंगी वो जानने सुनने को जरूर मिली होंगी वहां पर। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कलाकार जो होता है वो कान बंद करके रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता है, उसको कान खुला रखना है। और उसके अभी आज के जमाने में जैसे अगर घराने की बात करेंगे ना, घराने की बात, तो घराना जो है अभी सक्सेस नहीं है कि हम एक घराने की कोई गायकी गा रहा हो। सबके घराने, सबके गायकी में एक दूसरे घराने का असर है, टच है, क्योंकि कान बंद कर तो रहेंगे, रख करके रहेंगे नहीं, तो सुनना होता है। और अच्छे अभी क्या है कि अच्छी अच्छी चीजें जहां से मिल रही हैं, जहां से मिल सके उसको लेना है। तो ये चीजें आई, जैसे अब हम लोग जैसे गाते हैं तो बनारस अंग, पूरब अंग की ठुमरी, ठुमरी जैसे है, तो हम पंजाब अंग भी गाना सीखे हैं, हम बनारस अंग भी गाते हैं। बनारस अंग गाना मुश्किल है क्योंकि उसमें बिना मुर्की के वो बात पैदा करना है, जैसे बोल बनाना है, बोल को बनाना है। बनारस में जिस बनारस घराने का की खास विशेषता जो है कहन, कहन का मतलब कहने का तरीका, किसी भी शब्द जो शब्द को जो कहने का जो तरीका है वही असर करता है।
ये सब चीजें सीखी कि शब्दों को कैसे बोलना है, सुर के सुर में और भाव के साथ उस शब्द को कैसे बोलना है। तो ये चीजें हम लोग सुने। तो कोई कोई ठुमरी पंडित जी गुनगुनाते भी चलिए। जी ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। घर धरिया, ये खमाज में ठुमरी है, मिस्र खमाज में। गगरिया में घरे धरियाऊं, ठाढ़े रहो बाके यार। जब बनारस में पंडित महादेव जी, पंडित महादेव मिश्रा जी रहते थे उस समय, तो बनारस यूनिवर्सिटी में वो भी आते थे। वहाँ वो उनको विजिटिंग प्रोफेसर बनाया था, तो सभी सीनियर जो स्टूडेंट थे, जैसे हम लोग तो एमए वगैरह में थे, तो हिदायत थी कि तुम लोगों को भी बैठना है उस वहाँ जाके। तो उसे हम लोग का पल्ले तो पड़ता नहीं था उस समय, बीए वगैरह की चीज़ नहीं फिर ठुमरी है, क्योंकि ठुमरी के लिए एकदम ये जो है दिमाग सब कुछ डेवलप होना चाहिए, तब समझ में आएगा। एक तो ठेका उसका दीपचंदी का 14 मात्र, धा धन धा धा, ये दिमाग में बिठाना और बोल को उस शब्द उसको याद रखना, उस भाव से करना। लेकिन हम लोग को बैठने का एक था ऊपर से कि वहाँ बैठना है, तो हम लोग के दिमाग में इतना वो छा गया ना, तो ये बनारस का अंग कहीं भी कोई सुनता है तो बोलता है ये बनारस का अंग है। तो महादेव जी का ये था ये ठुमरी, वो तो बहुत सारी ठुमरियाँ गाते थे, दादरा गाते थे, तो ये जो हम ठुमरी गाते हैं इसको घर धरिया घर धरिया। अब ये कहीं कहीं ये अंदाज बनारस का भी आएगा और मेरे गुरु जी का भी आएगा कहीं कहीं बीच में, वो तो मैं वो गायकी मेरे गले में है पिछले। गगरिया में घर धरिया, तो बनारस की खास जगह है। गगरिया में घर धर, ठाड़ दहो बकयार बकयार, ठाड़ दहो बकयार। गगरिया में धरिया चुलड़ी पहनिया, गगरिया में धरिया चुनरी पहनिया, चुनरी पहनिया चुनरी पहनिया, रिकिया सोलस गार कदयाब सलस गर रे, ठाडे रहो बाक यार, ठाडे रहो बाक यार। पंडित हरीश तिवारी जी के साथ इस बातचीत में यहां पर एक ब्रेक ले लेते हैं। कल एक बार फिर आप हमसे जुड़िएगा ठीक रात 9 बजे, और कल बेहद दिलचस्प बातचीत होगी, क्योंकि कल हम पूछेंगे पंडित जी से कि आखिर किस तरह वो पहुंचे भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी के पास, और फिर किस तरह शुरू हुआ उनके तालीम का सिलसिला। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें।
इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।